बंदे पुरुषोत्तम, इष्ट निष्ठा के संबंध में चर्चा हो रही थी। श्री श्री ठाकुर बोले, एक एक मनुष्य में भिन्न भिन्न तरह की दुर्बलताएं हैं जो उसको अज्ञात रूप से उकसाती हैं। मैं जो कहा हूं, इष्टेर चे थाकले अपन छिन्न भिन्न तार जीवन। इष्ट से ज्यादा यदि किसी का कोई अपना रहे तो उसका जीवन छिन्न भिन्न रहता है। यह पूरी तरह से खुदा की बात है जिसको वेद कहते हैं। सूक्ष्म बोध ही तो लोगों में नहीं दिखता है। प्रवृत्ति के चक्कर में पड़े रहकर कितना भी हो हल्ला करके साधन भजन करे, उससे कोई फायदा नहीं होता। एक भक्त इसका उपाय पूछने पर श्री श्री ठाकुर बोले, जो सतगुरु के ऊपर निर्भर नहीं करके अपनी प्रवृत्ति की झोली लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, वे मृत्यु की सैया पर पड़े रहकर अपनी खुराक लेने के जैसा समय व्यतीत करते हैं। दुर्गा चरण पावना सत्संग आश्रम का एक कर्मी मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसे अपने पत्नी के प्रति बहुत प्रेम था। इष्टानुराग से ज़्यादा यदि किसी का प्रेम प्रबल हो जाता है, वह प्रेम ही उसको विध्वस्ती की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जा सकती है। तथा कथित इष्ट निष्ठाहीन सतगुण भी एक विशेष तरह का मृत्युदूत है। लोगों में एक तरह का कॉम्प्लेक्स है जो उसके आड़ में लोकहित का त्याग करके आत्म प्रतिष्ठा या अमरत्व लाभ की गोपन वासना छिपी रहती है। उससे आत्मबंधन की दशा टूटती नहीं है। अनेक लोग स्वार्थ लोभ को त्याग कर सकते हैं, लेकिन नाम यश का लालच आसानी से त्याग नहीं कर पाते हैं। जो सतगुरु या पुरुषोत्तम को पाकर भी दीक्षा नहीं लेता है, वह लेकिन ठगा जाता है। वे तो नित्य नहीं आते हैं। पाकर भी छोड़ देने का अर्थ है मन माया काल और प्रवृत्ति के घेरे में सत सहस्त्र बार घूमते रहना। सबसे बड़ा सौभाग्य तीन चीज है, मनुष्य में जन्म होना, प्रवृत्ति की कामना वासना से मुक्त होने की व्याकुलता, और सतगुरु के पास आत्मसमर्पण अर्थात दीक्षा लेकर उनको अनुसरण करना। स्मृति तीर्थ से जय गुरु।